41 द एंगल थीटा डिवाइडेड बाय इनटू टू पार्ट्स, एंगल थीटा को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। सपोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, सच दैट टेंजेंट ऑफ वन पार्ट के टाइम्स इज द टेंजेंट ऑफ द अदर। मतलब एक का टेंजेंट दूसरे का के टाइम्स है। अगर टेंजेंट मीन्स टेन अल्फा, एक का टेंजेंट दूसरे के टाइम्स है, मीन्स के टेन बीटा। ठीक है, आगे दिया हुआ, इफ़ द अदर वन, इफ टेंजेंट ऑफ द अदर एंड फाई इज देयर डिफरेंस, फाई इज देयर डिफरेंस, मतलब दोनों का जो है डिफरेंस कितना है, फाई, देन थीटा इज इक्वल टू, इनमें से पूछा कौन सा होगा थीटा इज इक्वल टू। तो करते हैं हम कैसे करेंगे, देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, के, इसके अपन में अगर वन ले लें और रेशियो प्रोपोर्शन युगांतर अनुपात का नियम लगाएं, तो युगांतर अनुपात का नियम क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। ऊपर साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही नीचे एलसीएम, ऊपर जो लिया एलसीएम आया था कॉस अल्फा कॉस बीटा, ऐसे नीचे भी कॉस अल्फा, इसका भी एलसीएम कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा, साइन के टर्म में तोड़ेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। ऊपर वाला जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा, नीचे वाला जो फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का बन रहा है इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, थीटा, तो साइन थीटा। अल्फा माइनस बीटा क्या था, साइन फाई इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। हमसे पूछा है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन फाई उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन साइन फाई। विच ऑप्शन इज ट्रू, के प्लस वन ऊपर है, के प्लस वन एंड के माइनस वन एंड साइन फाई, ऑप्शन वन इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एक कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट दिस दिस एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन इट, एक्स कॉमा वाई पॉइंट है जो उस पर है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप एंड ऑर्डिनेट। कोई कर्व है जिसके जिसके स्लोप का प्रोडक्ट डी वाई ओवर डी एक्स एंड द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई अगर पॉइंट है तो इसमें ऑर्डिनेट होता है वाई, ऑर्डिनेट का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, एबसीसा के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो एबसीसा इसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, और उससे पूछा इट इज़ इक्वेशन इज गिवन वाई, इक्वेशन पूछा है तो हम क्या करेंगे, वाई डी वाई को एज इट इज़ रखते हैं और डी एक्स को ले आते हैं एक्स डी एक्स, तो डिफ इंटीग्रेशन कर दें हम बोथ साइड का, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई टू और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस सी। अब ये जो कर्व है कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 5.3 से, तो पहले पुट कर देंगे 5.3 25/2। वैसे एक्स कॉमा वाई से भी हो रही है ये, एक्स कॉमा वाई इस कर्व पे है, तो एक्स कॉमा वाई अगर रखेंगे तो सेम यही आ जाएगी वापस, तो उसे रखने से कोई बेनिफिट नहीं है, ये पॉइंट रखने से 5.3 वैल्यू ऑफ सी मिलेगी हमें, तो ये आ जाएगा 9/2
प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, तो सी की वैल्यू आई 8। सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को इस साइड ले आएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये आ जाएगा। या फिर इसमें से हम कुछ मिस्टेक हुई है क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मिस्टेक नहीं हुई है। हमारा आंसर वैसे ऑप्शन टू आंसर है, बट हमारे आंसर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपोजिट आ रहा है उल्टा। तो देखो इसका अपोजिट आने का रीज़न क्या है, जैसे हमने यहाँ पे वाई डी वाई एक्स डी एक्स रखा, अगर हम इसको एक्स डी एक्स रखें और उधर रखें वाई डी वाई, तो बुक से आंसर मैच हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो अभी ये वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन टू। ठीक है, तो यही ठीक है, ये भी ठीक ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 43, क्वेश्चन नंबर 43। द इक्वेशन ऑफ लॉकस ऑफ ए पॉइंट इको डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट है ए वन बी वन, ए टू बी टू, इको डिस्टेंस है इस लाइन से, तो हमसे लोकस पूछा है। और लोकस, द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट इको डिस्टेंस, मतलब इनका जो पॉइंट का लोकस है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का इस इक्वेशन से इक्वल डिस्टेंस है, तो हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट से इस पे डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट से इस पे डिस्टेंस निकालना है, और दोनों को इक्वल पुट कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला है, तो ये है हमारी इक्वेशन, ए वन माइनस ए टू एक्स प्लस बी वन माइनस बी टू वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ए वन एक्स डायरेक्ट रखा है वैसे तो जो है इसको डायरेक्ट रख रहे हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, ए वन एक्स, तो ए वन की वैल्यू आ जाएगी ये ए वन माइनस ए टू, ए वन माइनस ए टू एक्स प्लस बी वन, बी वन, बी वन माइनस बी टू प्लस सी वाई एन प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, मीन्स ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, वेट, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे, अगर लाइन से किसी पॉइंट की अगर किसी लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, सॉरी ए एक्स वन, ये होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए ए क्या होता है, ए होता है लाइन में एक्स का कोफिशियंट, ये बी क्या होता है लाइन में, जो लाइन की इक्वेशन है उसमें वाई का कोफिशियंट, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और एक्स वन वाई वन होते हैं जिस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इस पॉइंट से निकालना है ए वन बी वन से, तो ए की वैल्यू क्या है, ए वन माइनस ए टू, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ए वन माइनस ए टू एक्स, एक्स की वैल्यू
एक्स वन आएगी, ए की वैल्यू तो ये रख दी एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू ए वन, प्लस बी, बी की वैल्यू ये है बी वन माइनस बी टू, और वाई की वैल्यू, सॉरी वाई वन की वैल्यू बी वन, प्लस सी, सी की वैल्यू सी ही है, अपॉन में आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर ये क्या कर रखा है इसमें सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन देखें तो इसको सॉल्यूशन में कैसे कर रखा है वो देख लेते हैं एक बार, इसमें इसी लग रहा है क्वेश्चन को, है ना, ध्यान से पढ़ेंगे फिर से, क्वेश्चन हमने गलत समझ लिया था। द इक्वेशन ऑफ द लोकस, इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है जिसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लोकस, लोकस का इक्वेशन है एक पॉइंट का, जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस है ए वन बी वन से, और उसके लोकस का इक्वेशन दिया है ये, कौन से पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसके लोकस का इक्वेशन हमें ये गिवन है, ठीक है, और वो पॉइंट इस पॉइंट से ए वन बी वन और ए टू बी टू से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे, तो जिस पॉइंट का ये लोकस का इक्वेशन है वो पॉइंट है एक्स एंड वाई, एक्स वाई इंक्लूड हो रहा है, तो एक्स वाई पॉइंट के लोकस का इक्वेशन है ये, और ये जो पॉइंट है ये ए वन बी वन से इक्वल डिस्टेंस है, ए वन बी वन और ए टू बी टू से, तो इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस कैसा होगा सेम, तो हम निकालते हैं इससे इसका डिस्टेंस, इससे पहले इससे फिर इससे, दोनों को इक्वल पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा रूट में एक्स माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में एक्स माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी टू का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब इसके स्क्वायर को ओपन करें, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर माइनस टू ए वन एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर माइनस टू बी वन वाई इज इक्वल टू, इसको कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए टू स्क्वायर माइनस टू ए टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर माइनस टू बी टू वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट, और हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सी निकालेंगे कैसे, देखो ऐसा करते हैं इसको इधर ही रखते हैं माइनस के टू ए वन एक्स, और इसको इसके पास लिख लेते हैं प्लस के टू ए टू एक्स माइनस के टू बी वन वाई प्लस के टू बी टू वाई, और इज इक्वल टू में लिखते हैं, इज इक्वल टू में लिख लो आप क्या क्या बच जाएगा, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल दें टू और एक्स,
ये बचेगा ए टू माइनस ए वन माइनस ए टू, और इसमें से भी माइनस टू कॉमन निकाल दें, माइनस टू वाई, तो ये बचेगा बी वन माइनस बी टू इज इक्वल टू में ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों में से माइनस टू कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस टू, तो ये बचेगा ए वन माइनस ए टू एक्स प्लस बी वन माइनस बी टू वाई इज इक्वल टू में ये एज इट इज रहेगा ये वाला, और ये माइनस टू को इधर लेके आ जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा टू, और माइनस अंदर जाएगा तो ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, माइनस ए टू स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर हाफ, ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन फोर। ठीक था क्वेश्चन। नेक्स्ट 44। वैसे इतना लॉन्ग एग्ज़ाम में टाइम तो होता नहीं है, तो इसका तो आंसर याद रखा जाए वो ज़्यादा बेटर है। वन बाई टू ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर 40 फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन द रेसिप्रोकल ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी। तो दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ लाइन द रेसिप्रोकल ऑफ हुज इंटरसेप्ट, तो हमें पता है इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है आपकी, अगर ये ए है और ये कुछ और ले लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये, अगर ये एच है और ये के है इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस से एच है और वाई एक्सिस से के है, तो एक्स अपॉन एच प्लस वाई अपॉन के इज इक्वल टू वन, और यहाँ पे दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ द लाइन द रेसिप्रोकल ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी, उनके रेसिप्रोकल दिया हुआ है, उनके इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल दिया हुआ है ए और बी, मतलब इसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है वन अपॉन एच इज इक्वल टू ए, और वन अपॉन के इज इक्वल टू दिया हुआ है बी। तो यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू निकालें तो एच की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन ए, और के की वैल्यू निकालें तो के की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन बी, और इसमें पुट करें तो आ जाएगा एक्स अपॉन वन अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन, तो यह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वन, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, 45 द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एच कोमा के ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की स्लोप फाइंड करनी है एच कॉमा के पॉइंट पे, तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा माइनस के एक्स अपॉन वाई, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है एच कॉमा के पॉइंट पे, एच कॉमा के पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करनी थी, स्लोप तो डी वाई अपॉन डी एक्स होती है, एच कॉमा के पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो ये माइनस के एच अपॉन के हो जाएगी, तो ऑप्शन में कोई है नहीं है, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इस सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से तो कैसे करेंगे, देखेंगे ये सर्कल है
और इसकी इक्वेशन दी है एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हमारे सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें एच और के होते हैं सेंटर। तो अगर एच कॉमा के होते हैं सेंटर, अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे सेंटर आ जाएंगे सेवन कॉमा माइनस वन। तो इसको सेंटर है सेवन कॉमा माइनस वन, सेवन कॉमा माइनस वन। अब ओरिजिन से मतलब ज़ीरो कॉमा ज़ीरो से इस पर टू टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, एक टेंजेंट ये और दूसरी टेंजेंट ये टेंजेंट है ना, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट, तो इस इनके बीच में एंगल कौन सा होगा, तो वो कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। अगर हम सेंटर से टेंजेंट पे टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को जॉइन करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ये तो हमें पता है। ऐसे इस कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से जॉइन करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है ये। और इसको इससे जॉइन करें तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हमें देखो, अगर हम देखेंगे ना तो ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं दोनों। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो इनके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो एक एंगल फाइंड कर लें तो दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों मिल जाएंगे तो फिर हमें यह पूरा एंगल मिल जाएगा। तो इसका सेंटर है सेवन कॉमा वन और ये है ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। तो अगर हम सेंटर और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकालें तो ये डिस्टेंस मिलेगा हमें। तो ये डिस्टेंस निकालें हम इसमें तो ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस वन एक्स टू माइनस एक्स वन, सेवन माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे रूट 50 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की है रूट 50, रूट 50। और इस क्वेश्चन में हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस अगर इससे कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर तो रेडियस हो जाएगी 5 हो गई। अब ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लगाएंगे इसमें अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज रूट 50 है तो रूट 50 मीन्स 50 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5 है तो 5 25 हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 25। बी स्क्वायर इज इक्वल 25 आएगा और बी इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये भी क्या आ गया 5, ये 5 है ये 5 है, तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ये, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है और टू साइड सेम है, टू साइड सेम है इसके। तो ये इसमें टू साइड सेम हो गए तो ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है। जब ये 90 है तो ये आपका कितने का बचेगा 45 और ये भी 45 का बचेगा। जब इतना एंगल 45 का है तो अभी हमने बताया था ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, तो 45 और 45 ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री मीन्स पाई बाई टू, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 47, देखेंगे इसको 48 देखेंगे, 47 को हम स्किप कर रहे हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दिस ऑन द लाइन दिस, मतलब इससे जो लाइन बनेगी उसका प्रोजेक्शन इस पे चाहिए। तो इससे जो लाइन बनेगी उसका वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो इसका वेक्टर कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 3 वन आ जाएगा, वन आई
सिक्स माइनस फोर प्लस टू आई टू जे, थ्री माइनस फाइव माइनस टू के, तो पहली लाइन का वेक्टर मिल गया, दूसरी का निकालेंगे वन माइनस, इसको माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू आई, एंड जीरो माइनस टू जे, फाइव माइनस फोर प्लस के। अब हमें इस लाइन का इस पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो जिस पर चाहिए, सपोज ये ए है और ये बी है, तो जिस पर चाहिए उसके लिए फार्मूला ऐसा होता है, ए डॉट बी अपॉन मोड बी प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन निकाल देंगे, मतलब जिस पे चाहिए उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, ए डॉट बी निकाल देंगे पहले, ये ए डॉट बी, तो ए डॉट बी आ जाएगा आई आई, वन इंटू टू टू प्लस टू इंटू माइनस टू माइनस फोर माइनस टू इंटू वन माइनस टू अपॉन, मोड में ले लेंगे इसको, नेगेटिव आ रहा है ठीक है, चाहे मोड मतलब बाद में पॉजिटिव लगा देंगे, बी मतलब मॉडुलस बी का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर मतलब माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा माइनस फोर और नीचे आ जाएगा रूट नाइन अप मीन्स थ्री, तो ये आ जाएगा 4/3। ऑप्शन फर्स्ट नाफ क्वेश्चन नंबर 49, 49 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, द थ्री लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम ओ विद डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं इसके, आर्क कोपलर देन के इस, तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो इनके हम वेक्टर बना सकते हैं, तो पहले लाइन का वेक्टर हो जाएगा आई माइनस जे प्लस के, दूसरा हो जाएगा टू माइनस टू आई माइनस थ्री जे प्लस जीरो के, तीसरी हो जाएगी लाइन आई प्लस जीरो जे प्लस थ्री के ठीक है। अब कोपलर है तो के की वैल्यू निकालने हैं, तो कोपलर के लिए क्या कंडीशन है, डिटर्मिनेंट जीरो होता है कोपलेनर के लिए, तो इसका वन वन, इसका टू, इसका वन माइनस वन माइनस थ्री जीरो, 103 के भी था ना कहीं पे, हाँ यहाँ पे था क्या, पहले वाले ऊपर इधर, तो सॉल्व करेंगे इसे, वन वन माइनस नाइन माइनस जीरो प्लस वन, सिक्स माइनस जीरो प्लस के, जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। कोप्लैनर की कंडीशन, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये माइनस नाइन आ जाएगा, ये प्लस सिक्स और ये प्लस सिक्स और ये प्लस थ्री के इज इक्वल टू जीरो, तो थ्री के इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री, के इज इक्वल टू आ जाएगा, के इज इक्वल टू आ गया वन। ऑप्शन ये क्या हो गया, तो यहाँ से आ गई के की वैल्यू वन, के इज इक्वल टू वन। यह है आपका के इज इक्वल टू वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द प्लेन दिस इज रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल
अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इट्स न्यू पोजिशन नो पोजिशन। तो हमें ये प्लेन को हम रोटेट कर रहे हैं राइट एंगल, इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस, देन द इक्वेशन ऑफ इट्स नंबर पोजिशन इज,